0 IAS दोस्तों, 0 IAS में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ्स कर रहे हैं जो आपके UPSC EPFO में ज़रूरी है, साथ ही साथ प्रीलिम्स में ज़रूरी है। ठीक है, तो मैथ्स का अगर आपको हल्का फुल्का डर भी है या आपको कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ये लेक्चर देखने के बाद जो जो टॉपिक मैं कवर करवाते जाऊँगा वो टॉपिक आपका 100% कवर हो जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक 4 लेक्चर ले लिया है जिसमें मैंने नंबर एंड अल्फ़ाबेट का सीरीज के बारे में बताया। मैं टाइम वर्क डिस्टेंस जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब के बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया। कल मैंने वेन डायग्राम जो वेन आरेख होता है उससे क्वेश्चन सॉल्व करवाया था आपको। ठीक है, तो ये हमारा जो है 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो 4 लेक्चर बना दिए हैं, आप प्ले लिस्ट देखिए, आपको मैथ्स बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग सिलोजिज या सिलोगिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों। ये लेक्चर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स मैराथन का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है, मैं EPFO में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं PDF। चलिए दोस्तों, जो सिलोजिज्म होता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल और आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हर साल जो है आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस मिनिमम इस टॉपिक से आएगा, 2 to 3 क्वेश्चंस मिनिमम आएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट है बहुत इजी। ठीक है, तो मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ा दिया, पढ़ाया ना वेन डायग्राम, मतलब वेन आरेख आपको पढ़ाया था और किस तरह से उसको समझते हैं ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो वेन डायग्राम का ही जो अगला रूप है वो आपका सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस धीरज बना के रखिए। तो देखिए, इसे UPSC 2022 में क्वेश्चन पूछा है वो, तो ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैंने करवाया है। ठीक है, तो देखिए, बोल रहा है 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन आर गिवन बिलो, मतलब 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 4 हम लोग का कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, यू हैव टू टेक अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ देयर सीम्स टू बी वेरियंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट। बोल रहा है आपको स्टेटमेंट को हमेशा सही मानना है। मान लीजिए ये बोल रहा है कुछ पेन किताब है, तो मतलब पेन तो किताब नहीं हो सकता नॉर्मल आप देखेंगे तो, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया है सही, आपको उसको मानना है। ठीक है, और उसी के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं स्टेटमेंट। वन बोल रहा है ऑल पेन्स आर बुक, सभी कलम पुस्तकें हैं। स्टेटमेंट टू बोल रहा है नो पेन चेयर इज ए पेन, कोई कुर्सी पेन नहीं है। तो हम लोग इसको सर्कल के फॉर्म में जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, सभी पेन, पेन को हम मानेंगे पी और बुक को मानेंगे बी और चेयर को लिखेंगे हम सी से। ठीक है, तो सभी पेन बुक्स है, तो वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये मान लीजिए पेन का वेन डायग्राम है और बुक्स उसके बाहर होगा, क्योंकि सभी जो पेन है ये पूरा अगर पेन का है तो ये किसी बड़ा चीज़ के अंदर में आना चाहिए ना। तो पेन छोटा होगा और बुक्स का जो सर्कल होगा वो होगा बड़ा, तभी होगा सभी पेन्स बुक्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है नो चेयर इज ए पेन, कोई भी चेयर पेन नहीं है। तो पेन का सर्कल ये है, तो चेयर कहाँ होगा, यहाँ हो सकता है चेयर। ठीक है, चेयर कहाँ हो सकता है दोस्तों, चेयर को सी से अगर लिखेंगे तो चेयर कहाँ होगा, बाहर होगा, या चेयर यहाँ भी हो सकता है। मतलब चेयर का कंडीशन ये है कि वो सिर्फ पेन के सर्कल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेन को अगर काट देगा, मान लीजिए इसको सी लिखेंगे तो ये वाला एरिया जो बन गया, ये वाला एरिया, तो उसे तो कवर हो गया कि पेन भी चेयर होगा, लेकिन शुरू में कथन में ही बोला स्टेटमेंट में कि कोई कुर्सी पेन नहीं है, तो ये कुर्सी जो होगा, चेयर जो होगा, वो पेन के सर्कल के बाहर होगा, होगा ना। तो पेन वाले को कवर नहीं करेगा। ठीक है, चेयर सिंपल है, चेयर कहीं भी हो सकता है, चेयर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन पेन वाले को कवर नहीं करेगा, चेयर बाहर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग को वो कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष मतलब जो हमेशा 100% सही होगा, उसको कोई भी आप बना लो, आप चेयर को यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो, निष्कर्ष हमेशा सही होगा। तो आपको पूरा पॉसिबिलिटी संभावना देख के निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, बोल रहे ऑल चेयर्स आर बुक्स, सभी चेयर बुक्स हैं। चेयर कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे, मान लीजिए सभी चेयर बुक्स हैं, तो चेयर ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि चेयर और पेन के बारे में बोला है ना कि पेन का जो सर्कल होगा वो चेयर के सर्कल से टच नहीं करना, छूना नहीं चाहिए, तो चेयर ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी चेयर्स
बुक्स होगा क्या? नहीं होगा, हमारा ये गलत होगा। क्योंकि देखिए यहाँ भी अगर हम देखें तो जो चेयर का सर्कल है वो बुक्स को इतना ही तो टच कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि चेयर बाहर हो, क्योंकि पेन और चेयर में रिलेशन है। बुक्स और चेयर के बारे में कुछ कहा गया है क्या? नहीं। तो सभी चेयर्स बुक्स होगा? नहीं। सम चेयर्स आर पेन, कुछ चेयर पेन है, बोल सकते हैं क्या? जब यहीं पर लिख दिया कि नो चेयर इज ए पेन, कोई चेयर पेन नहीं है, तो उस कुछ चेयर पेन कैसे हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा चेयर का है और ये हमारा पेन का है, ठीक है ना? तो चेयर और पेन टच कर रहा है क्या? नहीं। ये टच कर रहा है क्या? नहीं। ये सर्कल टच कर रहा है क्या चेयर पेन वाले को? नहीं। तो सम चेयर सर पेन कैसे होगा? फिर बोल रहा है ऑल बुक्स आर चेयर, बुक कहाँ है मेरा? ये है बुक। चेयर कहाँ है? चेयर ये बाहर भी हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं बोला है कि बुक और चेयर में क्या है। बुक्स आप चेयर आपका यहाँ भी हो सकता है, उसको कवर कर ले। तो इसमें तो हो गया कि सभी बुक्स जो होगा चेयर के अंदर में है, तो ये तो हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेयर बनाएंगे तो क्या होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी नहीं बोल सकते हैं। नो चेयर इज ए बुक, कोई चेयर बुक नहीं, बुक और चेयर में कुछ नहीं बोला गया है। तो यहाँ बनाएंगे तो चेयर बुक हो जाएगा, है ना? तो आपको पूरा संभावना देख के करना है कि क्या हो सकता है। तो जब आप बनाएंगे सर्कल तो जो चीज़ कथन दिया है उसी के अनुसार आपको सर्कल बनाना है, बस कथन आपका सही करना है। और कथन जैसा ही सही होगा तो आपको फिर निष्कर्ष जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये भी हमारा गलत है दोस्तों। तो कौन सा आपको सही पता चल रहा है बताइए? क्या आपको सभी कुर्सियाँ पुस्तकें पता चला? नहीं। कुछ कुर्सियाँ पेन है पता चला? नहीं। सभी पुस्तकें कुर्सियाँ पता चला? नहीं। कोई कुर्सी किताब नहीं पता चला? नहीं। तो कौन सा सही है दोस्तों? नन ऑफ द कंक्लूजन, ना तो कोई आपका, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बोल रहा है कि सिर्फ एक सही है, एक सही है क्या? हमारा पहला निष्कर्ष सही है? नहीं। दूसरा सही है? नहीं। तीसरा सही है? नहीं। चौथा सही है? नहीं। तो कौन सा मेरा है? नन ऑफ द एबव, कोई सही नहीं। समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? डी। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, जो भी आपका स्टेटमेंट है कथन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो कि किसको किसके अंदर रखना है, और आपका कथन हमेशा सही है, कथन के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है दोस्तों? तो यूपीएससी 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर क्या होगा? डी, कोई भी कंक्लूजन सही नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? अगला है प्रश्न, फिर 2022 में आया था। देखिए 2022 में दो क्वेश्चन आया था, बोला थ्री स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय थ्री कंक्लूजन आर गिवन बिलो। तो तीन स्टेटमेंट है, ठीक है? जब भी आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन की आंसर है तो आप तुरंत जो है आप समझेगा कि ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, हमको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो फिर वही चीज़ है। तो देखिए सम डॉक्टर्स आर टीचर, तो डॉक्टर को हम डिनोट करते हैं डी से, टीचर को करते हैं टी से, और इंजीनियर को ई से, और कुछ है साइंटिस्ट है। तो टोटल चार लोग हैं इसमें, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और टीचर। बोले सम डॉक्टर्स आर टीचर, तो ये मेरा डॉक्टर का घर है और ये कुछ डॉक्टर टीचर है, तो ऐसा ही होगा, कुछ डॉक्टर टीचर है। मतलब इतना डॉक्टर जो है वो टीचर भी है, ठीक है? समझ में आया? जैसे ये पता चला ये सम वाला ऐसे बनाते हैं, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं। फिर बोल रहा है ऑल टीचर आर इंजीनियर, सभी शिक्षक इंजीनियर हैं। तो सर टीचर का कौन है दोस्तों? ये वाला सर्कल, और पूरा सर्कल इंजीनियर है, इसका मतलब इंजीनियर बाहर होगा, होगा ना? इंजीनियर क्या होगा? बाहर होगा, तभी टीचर उसके अंदर आया ना। तो ऑल टीचर इंजीनियर, सभी शिक्षक इंजीनियर हैं, सही बात है, ठीक है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, सभी इंजीनियर साइंटिस्ट हैं। तो इंजीनियर ये रहा, और सभी इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, मतलब इंजीनियर का जो सर्कल होगा वो साइंटिस्ट वाले के अंदर में होगा, साइंटिस्ट वाले के अंदर में होगा। अब हम बोला क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, तो आप समझ गए, सभी कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं। तो देखिए ये वाला जो डॉक्टर था, ये जो डॉक्टर था, ठीक है, वो क्या था? इसको मैं दोस्तों अलग अलग कलर से बनाता हूँ, तब आपको बहुत आसानी होगी समझ दिखना में, वैसे समझ में तो आ जाएगा। देखिए डॉक्टर को मैं बनाता हूँ रेड से, डॉक्टर को डी से बनाता हूँ, और टीचर, सम डॉक्टर और टीचर, तो टीचर को हम दिखाते हैं दूसरे कलर से। तो ये हमारा टीचर है, तो कुछ डॉक्टर टीचर आपको दिख रहा है, इतना जो डॉक्टर होगा वो टीचर होगा, ठीक है? फिर ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, तो जितने टीचर है वो इंजीनियर है, ठीक है? तो इंजीनियर को मैं दिखाता हूँ ब्लू से, अभी जितने भी टीचर है वो इंजीनियर है, इसका मतलब टीचर जो इंजीनियर के अंदर में आएगा। फिर बोल रहा है ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, सभी इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, तो जो साइंटिस्ट होगा दोस्तों
साइंटिस्ट होगा वो इंजीनियर से बड़ा होगा, क्योंकि ऑल जितने इंजीनियर हैं वो साइंटिस्ट के अंदर में, तो ये हमारा किसका हो गया, साइंटिस्ट का। तभी तो इतने सारे जो इंजीनियर उसके अंदर में हो गया, साइंटिस्ट के अंदर में, है ना। अब हमको कंक्लूजन बोला, बोला सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, तो कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर हैं, तो साइंटिस्ट कहाँ है दोस्तों, ये वाला साइंटिस्ट का है ना, ये साइंटिस्ट का है, ठीक है। और डॉक्टर का कौन है, ये डॉक्टर का है, तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, उसमें कुछ डॉक्टर्स साइंटिस्ट हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सम साइंटिस्ट और डॉक्टर, मतलब मेरा पहला सही हो गया। दूसरा, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, इंजीनियर का क्या है दोस्तों, ये मेरा जो है इंजीनियर का लाइन है, इंजीनियर का है कि नहीं, इंजीनियर का है, तो ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर है क्या, नहीं, इतना ही जो इंजीनियर है दोस्तों, ठीक है, इतना जो इंजीनियर है, देखो जो इतना बचा है ये पोर्शन, इंजीनियर का लाइन क्या हुआ, ये इंजीनियर का लाइन है और ये आपका डॉक्टर का है, तो कट क्या करा, ये कॉमन, तो इतना ही लोग क्या हैं आपका, डॉक्टर्स हैं, तो सभी डॉक्टर नहीं है, दूसरा कट गया। फिर बोल रहा है कि सम इंजीनियर्स और डॉक्टर, सम इंजीनियर और डॉक्टर, ठीक है, तो इसको जब हम क्लियर करेंगे, ठीक है ये हुआ, एक मिनट रुकिए, देखिए बोल रहा है कि ये तो आपको समझ में आ गया, सम इंजीनियर, सम साइंटिस्ट और डॉक्टर, ये हमारा सही है, ये हमारा गलत था, क्योंकि ऑल इंजीनियर्स और डॉक्टर नहीं। तीसरा देखना, सम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, तो इंजीनियर का कौन है दोस्तों, ये इंजीनियर का है और ये डॉक्टर का है, तो है ना, सम इंजीनियर्स और डॉक्टर तो है ही, तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो 1 और 3 होगा इसका आंसर, ठीक है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 सी, समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ में आया, अगला देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2022 में 2 क्वेश्चन आया था, दोनों बहुत आसान था, अब वेन डायग्राम बना लो, आपका क्वेश्चन बन गया। तीसरा है 2021 में आया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन आएगा, फालतू अगड़म अगड़म मैं नहीं पढ़ाता। अब देखिए बोल रहा है, एक स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय कंक्लूजन 1 एंड 2, तो एक स्टेटमेंट आपका दिया है, उसे उसके आधार पर 2 हमको निष्कर्ष दिया है, ठीक है, तो उसके बाद बनाना। बोल रहा है सम रेडियोज आर मोबाइल, कुछ रेडियो मोबाइल है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कुछ रेडियो मोबाइल है, तो रेडियो को मान लो हम लिखते हैं आर से दिखाएंगे, मोबाइल को एम से दिखाएंगे और कंप्यूटर को दिखाएंगे सी से और वॉच को दिखाएंगे डब्ल्यू से, गाड़ी से। तो बोल रहा है कि यहाँ पे आप पढ़ो कि किधर गया, हाँ, कुछ रेडियो मोबाइल है, कथन है कुछ रेडियो मोबाइल, तो ये हमारा रेडियो का बनाते हैं, ठीक है, कुछ रेडियो मोबाइल है, ठीक है, और ये हम बनाएंगे मोबाइल का, कुछ रेडियो मोबाइल, ठीक है, हो गया। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, जितने मोबाइल हैं सब कंप्यूटर हैं, मतलब मोबाइल जो होगा वो कंप्यूटर के अंदर में आएगा, तो ये मोबाइल था पीला वाला, और जो ब्लू, ये जो कलर है स्काई ब्लू आसमानी वाला, वो क्या है, कंप्यूटर, सभी मोबाइल कंप्यूटर है, इसलिए कंप्यूटर के अंदर मोबाइल रहेगा। बोला सम कंप्यूटर आर वॉचेज, कुछ कंप्यूटर जो है दोस्तों वो घड़ियाँ हैं, कुछ कंप्यूटर क्या है, घड़ियाँ, तो कंप्यूटर में रहिए है, और घड़ियाँ कहाँ हैं, तो हो सकता है ऐसे बन जाए वॉच, या ऐसे भी बन सकता है वॉच बन सकता है, तब हो जाएगा ना, ये वाला जो सर्कल है ये आप देख रहे हो, ये आसमानी वो आपका कंप्यूटर का, ये है हमारा घड़ियाँ का, तो इतने जो पोर्शन हुआ हो गया ना, इतना जो हमारा पोर्शन हुआ वो हो गया, घड़ी भी है और आपका कंप्यूटर भी है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि यार वॉच जो घड़ी है वो किसी को टच ना करे, सिर्फ कंप्यूटर का करे, इतना सा ऐसा भी हो सकता है। तो हमको निकालना है कि मान लो अगर देखेंगे हम लोग सब समझ देखेंगे कि हर कंडीशन में वो सही होना चाहिए, कि वॉच अगर हम यहाँ भी लेंगे तो भी निष्कर्ष मेरा सही होना चाहिए, और वॉच अगर हम ये वाला लेंगे तो भी हमारा निष्कर्ष सही होना चाहिए, समझ में आया। तो ये नहीं कि एक चीज़ में सही हुआ दूसरे में गलत, ये गलत हो जाएगा, आपको हर केस में जो है बना के रखना है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है वॉच मेरा ऐसे भी काटे कि वो रेडियो को काटे ही नहीं, तो हर केस में आपको देखना है, तो निष्कर्ष जो निकालेंगे वो हर केस में सही होना चाहिए, और अब बहुत आसान है करना, देखो अब निष्कर्ष बोल रहा है, सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, सर्टेनली मतलब देखो
निष्कर्ष बोल रहा है, तो निष्कर्ष यहीं पे मिक्स, देखो निष्कर्ष अब क्या निकल रहा है, बोल रहा है निश्चित रूप से कुछ रेडियो घड़ियां हैं, कुछ रेडियो घड़ियां हैं, रेडियो का ये है दोस्तों, है ना, और घड़ी का कौन है, घड़ी का ये भी हो सकता है घड़ी, क्योंकि घड़ी और कंप्यूटर में से बोला गया है कि कुछ कंप्यूटर घड़ियाँ हैं, बाकी रेडियो और घड़ी के बारे में कोई चीज़ नहीं बोला है। तो ये रेडियो है और ये मेरा अगर घड़ी है तो ये बताए दोनों तो अलग अलग है, तो क्या कुछ रेडियो हो सकता है, निश्चित रूप से नहीं हो सकता है घड़ियाँ। उसके बाद कुछ मोबाइल्स निश्चित रूप से कुछ मोबाइल घड़ियाँ हैं, तो मोबाइल कहाँ है दोस्तों, मेरा एम कहाँ लिखा हुआ था, ये पीला वाला जो है मेरा एम है मोबाइल। तो घड़ी अगर उसको टच करेगा तो हो सकता है, लेकिन मोबाइल और घड़ी में कोई रिलेशन नहीं। अगर घड़ी हम इसको मान लें दोस्तों, ये वाले चीज़ को, अब पीला वाला क्या इसको टच कर रहा है, क्या नहीं टच कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम नहीं बोल सकते हैं। तो निष्कर्ष तभी हम होगा सही जब उसको निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता तो नहीं होगा। बात समझ में आया ना, तो हर पॉसिबिलिटी आपको देखना है और करना बहुत आसान है। आप कौन जो है कथन दिया उसके अकॉर्डिंग बना लो डायग्राम और फिर जो है उसको सोचो कि अच्छा घड़ी को यहाँ भी हो सकता है, घड़ी यहाँ भी हो सकता है, किसके आधार पर, कथन के आधार, ठीक है। तो हमारा जो है ना तो पहला कंक्लूजन सही है ना दूसरा कंक्लूजन, आंसर होगा डी। समझ में आया, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है और इसी टाइप का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, वेन डायग्राम से कुछ अलग नहीं पूछेगा। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन जो हमें दे रहा हूँ यही को आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो कि अच्छा इसमें ये पॉसिबिलिटी होता है, इसमें ये होता है, तो आसानी से आप एग्ज़ाम जो है निकाल लोगे इसी सेट का, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में जो है 55 दिन है, बहुत दिन टाइम है, तो आप सीसेट जब इस तरह से पढ़ोगे डेली, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसी को आप खुद से प्रैक्टिस करो और उसी को बार बार करो, तो आपका दिमाग जो है उसी डायरेक्शन में सोचने लगेगा और सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जो आंसर होगा डी होगा। अगला देखते हैं, 2021 में पूछा था, तो 2021 में भी दो क्वेश्चन आए, बोल रहा है का स्टेटमेंट है कंक्लूजन है, बोल रहा है कुछ कैट्स अलमीरा है, कुछ बिल्लियाँ अलमीरा है, तो कैट को दिखाते हैं सी से, अलमीरा को दिखाते हैं ए से, और चेयर को दिखाते हैं सी से, और टेबल को दिखाते हैं टी से, तो टोटल कितने चीज़ है इसमें, 4, सी है, अलमीरा है, चेयर है, चेयर को सी एच से दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि सी पे ऑलरेडी यूज कर लिए ना, तो सी एच से चेयर दिखाते हैं और टेबल को टी से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बिल्लियाँ अलमीरा है, अलमारी है, तो ये हमारा कैट है दोस्तों और ये हमारा अलमारी है, ठीक है, कैट है और अलमारी है। दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर होगा, ठीक, तो ये हमारा क्या है, अलमारी। उसके बाद बोल रहा है सम अलमीरा चेयर, कुछ अलमीरा चेयर है, तो चेयर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये भी चेयर का पॉसिबिलिटी हो सकता है, या चेयर ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि कैट और चेयर के बारे में कुछ नहीं बोला, किसके बारे में बोला, अलमीरा और चेयर के बारे में बोला, तो चेयर ऐसे भी हो सकता है जो अलमीरा को भी काटे और कैट को भी काटे, या चेयर हो सकता है जो सिर्फ अलमीरा को काटे, ये भी हो सकता है, या फिर चेयर ऐसे भी हो सकता है जो पूरा उसको काटे, कैट को भी, कैट को पूरा कवर कर ले और अलमीरा को जो है थोड़ा सा काटे, तो ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी आपको देखना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और कथन क्या है कि ऑल चेयर्स आर टेबल, सभी चेयर्स टेबल हैं, सभी कुर्सियां मेज है, तो कुर्सियां कौन सा दोस्तों, चेयर था ये, तो सभी कुर्सियां मेज है, तो जो मेज होगा तो हम लोग अभी मान के चलेंगे शुरू जो ये वाला केस, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि चेयर कहाँ कहाँ हो सकता है ना, चेयर हो सकता है कि अलमीरा को काटे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस बाकी कैट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि कैट की बिल्ली और चेयर में क्या रिलेशन है, उस बारे में कुछ हमको नहीं बताया गया है ना, तो ये दो केस हो सकता है, ठीक है। तभी हम एक केस को मान के चलते हैं, ऑप्शन के आधार पे फिर उसको हम हटा देंगे, ठीक है। चेयर ये भी हो सकता है, मैंने बता दिया, और चेयर जो है ऐसे ये भी हो सकता है, लेकिन हौचपौच हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तभी हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। ऑल चेयर्स आर टेबल, सभी चेयर टेबल हैं, ठीक है दोस्तों, सभी चेयर टेबल हैं, तो चेयर मेरा कहाँ, ये सभी चेयर टेबल है, मतलब टेबल जो होगा वो चेयर से बड़ा होगा क्वेश्चन के आधार पे, तो चेयर उसके अंदर में हो गया। अब बोल रहा है अब क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, आपको ये ध्यान देखना है कि चेयर जो होगा दोस्तों यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, चेयर जो है इधर भी हो सकता है, मैंने जैसे बताया अभी पहले, तो चेयर अगर यहाँ होगा तो टेबल उसके बाहर में होगा, क्योंकि टेबल जो है चेयर टेबल साथ में ही आएगा ना, क्योंकि बोल रहा है कि सभी चेयर टेबल हैं, तो जहाँ भी चेयर होगा उसके जस्ट बाहर में पूरा कवर करते हुए क्या होगा,
टेबल होगा, ठीक है। अब उसके आधार पे आपको जो है निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। तो जो कथन होगा उसके आधार पे आपको निष्कर्ष निकालना। अब देखिए बोल रहा है सर, कंक्लूजन वन बोल रहा है सर्टेनली सम अलमीरा टेबल, तो कुछ अलमीरा टेबल है। अलमीरा कौन है दोस्तों? ए। और टेबल कौन है? टी। ठीक है, अब देखो सर्टेनली सम अलमीरा टेबल, टेबल कहाँ है मेरा? ये बैगनी वाला। और टेबल बैगनी वाला है, अलमीरा कहाँ है? ये वाला। तो ये बताइए जो चेयर है दोस्तों वो किसके अंदर में है? बोला है ना ऑल चेयर्स आर टेबल, चेयर जो है वो टेबल के अंदर में। और क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ अलमीरा जो है वो चेयर है। अगर कुछ अलमीरा चेयर है, ये बताइए इतना अलमीरा जो है वो चेयर हुआ, और चेयर जो है वो टेबल के अंदर में, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अलमीरा जो होगा वो टेबल होगा ही। क्यों? क्योंकि कुछ अगर अलमीरा चेयर है तो इतना अलमीरा अगर चेयर है तो भैया अलमीरा अगर चेयर है और चेयर टेबल है तो अलमीरा भी तो चेयर होगा ना, कुछ कुछ टेबल होगा ही। समझ में आ रहा है ना? अरे मैं बोल रहा हूँ ए जो है वो बी के अंदर में है कुछ पार्ट, ये ए है ये बी है ये कुछ पार्ट है, और बोल रहा है बी जो है वो सी के अंदर में। तो भैया इतना जो पार्ट हुआ बी ए तो वो भी तो सी के अंदर में हुआ कि नहीं हुआ? तो वही तो बोल रहा है, तो निश्चित रूप से होगा वो सही, ठीक है। तो मतलब ये हमारा सही बोल रहा है। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, कुछ कैट्स चेयर नहीं हो सकते। तो कुछ कैट कहाँ है दोस्तों? कुछ कैट कहाँ है? ये मेरा सही। और चेयर कहाँ है? ये। तो हो सकता है कि कुछ कैट चेयर ना हो, ये अब मे लिखा है ना मे, अब इसमें निश्चित रूप से नहीं बोला जैसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा था। बोल रहा है कुछ कैट्स हो सकता है मे नॉट बी चेयर, तो हो सकता है ये यार ये अगर कैट है और ये अगर मेरा पीला वाला चेयर का है तो इसमें आपको दिख रहा है कि कैट और चेयर दोनों बाहर बाहर है, तो हो सकता है मे और मे लिख दिया, मे मैंने हो सकता है यहाँ पे है। अगर लिखता सम चेयर आर नॉट, सम कैट्स आर नॉट चेयर, कुछ कैट चेयर है ही नहीं, तब हमको उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर चेयर को हम इधर मान लेंगे तो यहाँ पे जो एरिया आएगा तो कुछ कैट जो है चेयर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसमें लेकिन बोल रहा है मे, तो मे हो सकता है, मे का मतलब ही होता है पॉसिबिलिटी, बात समझ में आया? तो ये भी हमारा सही है। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा दोनों सही होगा। तो कंक्लूजन वन भी सही है और कंक्लूजन टू भी सही है, बात समझ में आया? जब निश्चित रूप से रहेगा तो आपको चेक करना, और लिखा है कि नहीं हो सकती है तो ठीक है, हो सकती मैंने पॉसिबिलिटी है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फाइव, वो 2021 में आया था। 2021 में देखिए कितना क्वेश्चन आया था, 3 भी आया था, 4 भी आया था और 5 भी, टोटल कितने क्वेश्चन आ गए? 3 क्वेश्चन, ठीक है। और कितना आसान है कॉन्सेप्ट है ना। फिर वही है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो देखो बोल रहा है सम ग्रीन और ब्लू, तो ग्रीन को हम जी से नोट करेंगे, ब्लू को बी से करेंगे, ब्लैक को बी एल से करेंगे, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो 3 कलर है ना। तो बोल रहा है कुछ हरे नीले हैं, तो ये हमारा है ग्रीन। एक मिनट कलर ले लेते हैं बढ़िया। ग्रीन, ये ग्रीन, ठीक है। तो सम ग्रीन और ब्लू, तो ये हमारा है ग्रीन, ठीक है। सम ग्रीन और ब्लू, ये ग्रीन है ना कि दूसरा कलर है? तो देखिए सम ग्रीन, ये आपका ग्रीन है, सम ग्रीन और ब्लू, तो कुछ ग्रीन ब्लू है। कहाँ गया ब्लू यार? ठीक है, तो सम ग्रीन और ब्लू, फिर सम ब्लू और ब्लैक, तो कुछ ब्लू ब्लैक है, तो कुछ ब्लू ब्लैक है, तो कुछ ब्लू क्या होगा? ये हमारा ब्लैक होगा, ऐसे भी हो सकता है, या मेरा ब्लैक ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हमें कंडीशन क्या फिक्स करना है कि कुछ ब्लू ब्लैक है, या फिर ब्लैक ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है ना। हमको बस यही देखना है कि ब्लू ब्लैक अगर है तो ब्लू और ब्लैक थोड़ा थोड़ा टच करेगा, तो या तो फिर ब्लू इस तरह से काटे कि ग्रीन को ना टच करे, या ब्लू इस तरह से काटे कि ग्रीन को पूरा टच कर ले, क्योंकि ग्रीन के बारे में कुछ नहीं बोला, या ब्लू इस तरह से काटे कि ब्लैक इस तरह से काटे ब्लू को कि ग्रीन को टच करे ही नहीं, या दोनों को टच कर ले, या ग्रीन को पूरा कवर कर ले, ये हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए कंक्लूजन वन बोला सम ग्रीन और ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक है। दोस्तों अगर हम ब्लैक को ये माने, ये वाला ये लाइन माने,
ठीक है, तो क्या ये वाला जो लाइन है क्या वो ग्रीन को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हमारा ये गलत होगा क्योंकि इसमें बोला है सम ग्रीन आर ब्लैक। ठीक है, उसका नो ग्रीन इज ब्लैक, कोई ग्रीन ब्लैक नहीं है, ये भी निश्चित रूप से नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये वाला हम लाइन माने दोस्तों, ये वाला इसको माने, देख रहे हैं आपको, इसको अगर माने जिसमें सम ब्लू और ब्लैक, तो इसमें वो ग्रीन को काट दे रहा है, तो ये भी हम नहीं मान सकते। बात समझ में आए? ऑल ग्रीन आर ब्लैक नहीं मान सकते, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर ब्लू जो है, ब्लैक जो है ब्लू को अगर ये वाला में काटे तो ग्रीन को तो काट ही नहीं रहा है, तो ऑल ग्रीन आर ब्लैक नहीं मान सकते। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन नहीं कुछ कह सकते, कि ब्लू यहाँ भी हो सकता है तो ग्रीन को नहीं टच करेगा, यहाँ होगा तो कुछ ग्रीन को टच करेगा, और ये वाला अगर सर्कल होगा तो तब होगा सब, निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो कुछ हरे नीले भी हैं और कुछ ब्लू ब्लैक हैं, ये तो कथन है। निष्कर्ष क्या हुआ कि कोई कुछ हरे काले हैं नहीं बता सकते, कोई हरा काला नहीं है नहीं बता सकते, सभी हरे काले हैं नहीं बता सकते, सभी काले हरे हैं नहीं बता सकते, तो कौन सा सही है दोस्तों? ना तो ना इधर, ना तो एक, ना तो दो, ना तो तीन, ना तो चार, ना इधर मैंने कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो 2020 में आए, तो हर साल जो है इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन आ ही रहा है, हर साल आ रहा है और आगे वाले आने वाले समय में भी आएगा, और कितना आसान है दोस्तों, है कि नहीं? चलिए फिर इसमें स्टेटमेंट है और फिर कंक्लूजन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट का है तो इसमें क्या क्या लिखा है, सी कैट है, डॉग है और ब्लैक है, बस यही चीज़ है। तो बोल रहे हैं ऑल कैट्स आर डॉग, तो कैट को सी से मानते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, डॉग को डी से मांगते हैं, सॉरी ऑल बोला है ना, ऑल बोला है तो क्या होगा, उसके अंदर में होगा, ऑल कैट्स आर डॉग मतलब कैट जो है छोटा है और डॉग जो है बड़ा होगा। ऑल कैट्स आर ब्लैक, सभी कैट्स ब्लैक है, सभी कैट्स ब्लैक है, तो ये हमारा सर्कल होगा ब्लैक का, ऐसा भी हो सकता है, या ब्लैक जो है ऐसा भी हो सकता है, कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता जा सकता ना, कि सिर्फ ये बोल रहा है कि जो कैट है वो डॉग्स है, सभी कैट्स डॉग है, तो कैट जो होगा वो डॉग के अंदर में होगा, और बोल रहा है कि सभी कैट्स ब्लैक है, तो सभी कैट्स ब्लैक है तो मतलब ब्लैक जो होगा वो कैट के बाहर होगा, बड़ा होगा ब्लैक, तो ब्लैक या तो कैट के पूरा बाहर हो सकता है या तो फिर वो डॉग के अंदर हो सकता है, डॉग का और कैट के बारे में, डॉग और ब्लैक के बारे में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है ना, कि फिर से आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर से बता दूँ, चलिए फिर से देख लीजिए, बोल रहा ऑल कैट्स आर डॉग, ये कैट है ये हमारा डॉग है, ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो ये जो सभी कैट हैं ब्लैक, तो देखिए ब्लैक ऐसे हो सकता है, हो सकता है ब्लैक को मैं ब्लैक से दिखाऊंगा, ठीक है, तो सभी कैट्स आर ब्लैक, तो देखिए ब्लैक जो हो सकता है वो इस टाइप से हो सकता है, ये हो सकता है, या ब्लैक जो है ऐसे भी हो सकता है, ये भी अगर होगा ब्लैक तभी जितने भी कैट हैं वो ब्लैक के अंदर में होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है ऐसा, तो जो भी हम निष्कर्ष निकालें तो दोनों चीज़ में वो सेटिस्फाई होना चाहिए, चाहे वो ब्लैक कैट के जस्ट बाहर हो या डॉग के भी बाहर हो, दोनों में सेटिस्फाई होगा, दोनों को फॉलो करेगा तभी निष्कर्ष सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, बता दिया सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ठीक है, और सभी बिल्लियाँ काली हैं, तो सभी बिल्लियाँ, ये बिल्ली वाला है और ये काली वाला है, तो बिल्ली जो है वो काली के अंदर में आया, या तो फिर काली जो होगा वो सबसे बड़ा हो सकता है, डॉग को भी कर सकता है, लेकिन जो भी निष्कर्ष निकालोगे वो दोनों कंडीशन में फॉलो होना चाहिए, काला वाला दोनों सर्कल में है ना। कंक्लूजन देखिए, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सभी डॉग्स ब्लैक हैं, बोल सकते हो क्या? नहीं, अगर ब्लैक बड़ा वाला सर्कल, अगर ये वाला सर्कल होगा तब जो होगा डॉग उसके अंदर में आएगा, लेकिन अगर ब्लैक अगर इसके अंदर में हो तो सिर्फ इतना ही डॉग जो हुआ ना वो काला हुआ, क्योंकि डॉग तो इतना है पूरा, इतने में ये जो काले का लाइन है मतलब इतना ही जो डॉग हुआ वो काला हुआ, ये जो बचा दोस्तों ये वाला, ये डॉग तो काला नहीं हुआ, बात समझ में आया? तो सभी जो डॉग होगा वो काला तभी होगा जब ब्लैक जो सर्कल होगा ये वाला होगा बड़ा वाला, लेकिन ब्लैक वाला सर्कल अंदर भी हो सकता है, तो हम ये नई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये भी नहीं बोल सकते, अगर ब्लैक वाला अगर बड़ा वाला होगा तो हो सकता है उसके अंदर में आ जाए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो ये भी हम नहीं निकाल सकते, तो हम सभी कुत्ते काले हैं नहीं बोल सकते, कुछ कुत्ते काले नहीं बोल सकते,
अगर बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा तो सभी कुत्ते काले हो जाएंगे, लेकिन छोटा वाला होगा तो नहीं होगा। उसी तरह अगर बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा तो सभी कुत्ते काले हो जाएंगे, तो कुछ कुत्ते काले नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो निष्कर्ष क्या हम लोग बोल रहे बोले निष्कर्ष मतलब क्या, जो एकदम फॉलो होगा, ठीक है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरह से करना है। आप दोबारा देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता फिर दोबारा देखिए लेक्चर को, समझ में आ जाएगा। फिर आपका 2 ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 वही बोल रहा है कि कुछ रैट्स, कुछ चूहे जो है वो बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं है। तो फिर निष्कर्ष आधार दिया है, आपको बताना है कि निष्कर्ष क्या होगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, और फिर जो है ये बोल रहा है कि अगर इसको हम चौथे को हम सही माने तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, 1 2 3 में से क्या हम सही रूप से बोल सकते हैं। तो ये भी आपका आसानी से बन जाएगा, फिर आपको टिक मार के बताना है कि कौन हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, तो ये ज़रूर बनाइए, तभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा और मैंने जो भी बताया वो अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। जो मैं करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन को आप 2 बार 5 बार 10 बार बना लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, UPSC में क्वेश्चन आएगा वो भी आप बना लेंगे। ठीक है, तो कैसा लग रहा है लेक्चर आपको बताइए, मैथ्स मैराथन का, जो धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे सिलेबस, टेंशन मत लीजिए पूरा अच्छे से। कैसा लग रहा है, कुछ आपको यूनिकनेस लग रहा है कि बाकी लेक्चर से ये डिफरेंट है? YouTube पे दुनिया भर का लेक्चर होगा जो मैथ्स पढ़ाया होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह का मैथ्स आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, कितना सिंपल लैंग्वेज में, और आपका सिर्फ 30-35 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, और सिर्फ कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो देखते रहें चैनल को, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन का मुझे काम करेगा। वैसे मैं तो वीडियो डालूंगा ही, क्योंकि मेरा वो कर्म है, मैं अपना काम तो करूंगा ही। ठीक है, तो आपका भी कर्म है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।